नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार आप सभी का स्वागत है फिर से। और आज मैं जिनके साथ बैठा हुआ हूँ वो अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, और मैं इस वक्त हूँ NIPVD के डायरेक्टर श्री नचिकेता राउत सर के साथ में। और जहाँ सब जगह, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरे देश विदेश और पूरी दुनिया में बात चल रही है कोरोना वायरस, और जब एक परिवार का मुखिया उसे कैसे देखता है और किस तरीके से अपने परिवार को बचा रहे हैं इन सब चीज़ों से, कैसे संभाल रहे हैं, सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं, आपको एक बात और बता दूँ, वो माहिर हैं सिचुएशंस को हैंडल करने में। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं और कुछ बातें उनसे ही जानते हैं, उनसे ही बातें करते हैं। सर, अब तक बहुत बहुत स्वागत है और नमस्कार सर। बहुत धन्यवाद। आज जिस चीज के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ वह कोरोना वायरस की जो प्रेजेंट कंडीशन चल रही है, जो सिचुएशन चल रही है, उसको सर ने कैसे देखा, कैसे हैंडल किया, उस पर थोड़ा सा बात करता हूँ। सर, आज हर जगह कोरोना वायरस का एक तरह से मैं कहूंगा कि एक तरह से ये महामारी का रूप ले रहा है और आतंक से भी बढ़कर हो गया है। सर, आप एक डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, पूरे एक NIPVD जो कि एशिया का नंबर वन ब्लाइंड इंस्टीट्यूट है और हिंदुस्तान में मैं कहूँगा कि एक अपने आप में, तो आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? देखिए, पहली चीज तो है कि इंफेक्शन तो यहाँ है नहीं, बिल्कुल कहीं से आएगी जी, तो बाहर से आने के सारे स्रोत रोक दिए जाए। और दूसरी चीज जो की जाए वो ये की जाए कि यहाँ अंदर रहने वाले लोगों को इतना सशक्त बना दिया जाए, इतनी तैयारी उनमें हो कि अगर आ भी जाती है तो उसे लड़ ले। तो ये दो ही चीजों में काम की जा रही है। बिल्कुल सर। तो इस तहत आपने सुना होगा कि हम लोगों ने 31 तारीख तक जितने भी स्कूल, कॉलेज और TCAB के छात्र हैं, बिल्कुल, उनको अपने अपने घरों में भेज दिया है ताकि वो एक साथ इकट्ठे एक जगह ना हो, क्योंकि संक्रमण के माध्यम से फैलता है। बिल्कुल सर। हमारे पास तो TCTVH भी है, RCI के, बिल्कुल, लोग आते हैं वहां मार्कशीट वगैरह के लिए, एग्जामिनेशन के लिए। बिल्कुल। अभी 31 तारीख तक हर किसी को रोक दिया गया। बिल्कुल सर। अगर बात करें संस्थान की सर, तो संस्थान में विजिट्स बहुत ज्यादा होती है और बाहर से आने, आपने कहा कि संक्रमण से ये फैल जाता है, तो क्या वो विजिट्स अभी बंद हैं सर संस्थान में? अभी फिलहाल बंद है सारे के सारे जी, और हमारे इंटरकॉम की सुविधाएं हर जगह है जी, तो जिसे भी जरूरत होती है वो इंटरकॉम से पूछ लेता है। बहुत जरूरी अगर ना हो तो किसी को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है अभी, और अगर वो अंदर आ भी रहा है तो आप देख सकते हैं कि हमने सिक्योरिटी गार्ड के पास ही सैनिटाइजर्स, साबुन और पानी रख दिया है, तो वो अपना हाथ पैर धो के जैसे कि अंदर आए तो कम से कम वो खुद संक्रमित अगर हो तो। बिल्कुल सर, ये कहीं सुनी बात नहीं है, क्योंकि अभी मैं जब मेन गेट से आया और नीचे भी मैंने सिक्योरिटी गार्ड को देखा, ये चीज मैं देख के आ रहा हूँ, तो ये कहीं सुनी बात नहीं है। सर, आप इतना एहतियात बरत रहे हैं, मतलब एक परिवार का जो मुखिया होता है अगर देखा जाए तो अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहता है हर तरीके से। यहाँ स्कूल की अगर बात करें तो जैसे ही ऑर्डर आया आपने उस पर अमल किया, सबकी मीटिंग ली और उसके बाद आपने जो डिसीजन लिया वो लिया। अक्सर आप निर्णय लेते हैं तो यहाँ पर जो है कि कई लोग ऐसा सोच रहे हैं कि छुट्टी हो गई कि वो तो घर जाएंगे, लेकिन जो मेरा मानना है वो ये मानना है कि आपने संक्रमण होता है एक जगह, अगर एक को कुछ हो गया तो उसको संभालना मुश्किल है। आपके दिमाग में क्या आया था उसको? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। बिल्कुल सर। बुद्धिमान आदमी वो, लाओसु कहते हैं ना कि बुद्धिमान आदमी वो जो कि बीज के अंदर पेड़ को देख ले। तो संक्रमण हो जाने के बाद, बीमारी हो जाने के बाद हायतवा मचाने से बेहतर ये है कि उसको होने से रोक दिया जाए। ये बहुत जरूरी ये है कि जो बच्चे हैं वो अपने अपने घरों को चले जाएं और हमारी तैयारी हो जाए कि हम उस कोरोना वायरस से लड़ सकें। उस तैयारी के माध्यम में आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो सरकार की एडवाइजरी है कोरोना वायरस से बचने के उपाय, उसको ब्रेल में कर लिया। ये सर दृष्टिबाधित संस्थान है, आप देख सकते हैं ब्रेल में किया हुआ है, वही मैं सबको बताना चाह रहा था कि यहाँ पर सिर्फ कहीं सुनी बातें नहीं, ब्रेल में इतनी जल्दी, सर इतना जल्दी आपने तैयार करवा लिया और इतना इफेक्टिवनेस कैसे सर? ये आज हमारे साथ जुड़े हुए लगभग 500 संस्थान जो है जी, उनको भेज दिया जाएगा। क्या बात है। जितने 9 के 9 नेशनल इंस्टीट्यूट है उनको भेज दिया जाएगा और सारे 19 कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर्स उनको भी भेज दिया जाएगा। तो सर अगर इसकी बात करें, ये वो एडवाइजरी है जो गवर्नमेंट ने जारी किया वो है, और आप इतनी तुरंत मतलब जारी किया और आपने ब्रेलीकरण करके और आप डिस्चार्ज भी करने वाले हैं। कहा अगर वाली बात है कि अगर सही समय पे काम ना किया गया तो फिर वो काम करके फायदा भी नहीं। और दूसरा सर, अब अगर हम आए तो आपके अंडर जो जितने डिपार्टमेंट्स हैं सब अलग अलग, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग, सबके मोटोज अलग अलग है, तो एक तरफ जहाँ बात हो रही है, कई सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि स्टाफ भी है उनको छुट्टियां, बच्चों की छुट्टियां कर दी हैं, लेकिन आप कैसे देखते हैं इस बात को, कैसे लेंगे? हाँ, हमारे पास सिर्फ स्कूल भी नहीं है,
भारतवर्ष का सबसे बड़ा ब्रेल प्रेस भी है, बिल्कुल, भारतवर्ष का इकलौता मैन्युफैक्चरर ऑफ ब्रेल अप्लायंसेस इंडस्ट्री भी है, बिल्कुल, हमारा अपना टॉकिंग बुक लाइब्रेरी भी है, बिल्कुल, ये तमाम तरह की चीजें हैं जी। भीड़ को तो हमने नियंत्रित कर दिया छुट्टियां देखें, बाकी लोगों के लिए कल ही एडवाइजरी विशेष रूप से जारी हो गया कि भाई अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो तो आप हमारे मेडिकल ऑफिसर से मिलें। बिल्कुल, आपको ये पता होगा कि आज से लगभग 15 दिन पहले जब ये एडवाइजरीज नहीं आई थी जी, तो हमारे मेडिकल ऑफिसर की टीम ने 2 कार्यशालाएं कर दी थी, यहाँ हाथ कैसे धोना है, कैसे अपना ख्याल रखना है, कैसे कोई भी संक्रमण हो तो दिखाना है जाके, तो 15 दिन पहले ये हो चुका है। अभी हम लोगों ने सारे डिपार्टमेंट में एडवाइजरी जारी कर दिया है जिसमें छोटी छोटी चीजों के बारे में सावधानी बरतने की बात कही गई है, और खांसने के जो आसान तरीके हैं, यूं खांसे और यूं इसलिए खांसे क्योंकि पहली बात तो ये है कि उससे ज्यादा ये कवर करता है, और दूसरा आप अपना हाथ इधर कम से कम लगाते हैं जी, तो इन चीजों को बोलकर हम लोगों ने एडवाइजरी जारी कर दी, और साथ ही साथ सरकार की एडवाइजरी। बिल्कुल, सर ने कहा कि छुट्टियां कर दी गई हैं, बहुत लोगों के दिमाग में यह आ रहा होगा कि छुट्टियां कर दी हैं, घर चले गए, घर एक कन्फाइंड जगह है जहां पर आप रहते हैं और अपने उसमें, लेकिन दूसरी बात आप लोगों ने पता नहीं गौर किया या नहीं, जो मुझे पता है, सर ने कहा कि जो ये छुट्टियां दी हैं, ये छुट्टियां सिर्फ छुट्टियों के लिए नहीं, ये है तैयारियों के लिए, तो अगर आप जिस दिन वापस भी आते हैं, इनकेस अगर ऐसा कोई केस आता है, खुदा ना करे, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे ऐसा, लेकिन अगर आता है तो उसके लिए आपने तैयारियां पूरी करने के लिए ये जो गैप है वो उसके लिए ले रखा है। बिल्कुल, और इससे पहले जब तक एडवाइजरी नहीं आई थी उससे पहले भी कई सारे वर्कशॉप आपने किए सर। अगर आप बात करें सर मेडिकल की, बात हम मेडिकल पहलू पर बहुत कम बात करें क्योंकि आपकी टीम पूरी तैयार है, मुझे पता है सर की टीम तैयार है और पूरा सब जगह वो काम चल रहा है, वो एक अलग एस्पेक्ट है सर। दूसरी तरफ अगर हम आए सर, आपके अगर मैं इन पर्सन आप बात करूँ कि आप कैसे देखते हैं सारे सिनेरियो को जो आज समाज में है, जो आज लोगों के बीच है, आप कैसे देखते हैं? कोरोना वायरस को, बिल्कुल, कबीरदास का वो दोहा मुझे याद आता है कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख का ही हो। तो हमारी तो हमेशा से तैयारी शुरू से रहनी चाहिए, ये भारतीय परंपरा है जी। इसको अगर आप ऐसे देखें तो सबसे पहला कि जो शरीर बनता है, ये जो आप खाते हैं उससे बनता है जी। हम आप खूब जानते हैं कि कोरोना वायरस आया कहां से, गैर जरूरी चीजों को खाने पीने से आया, जो हम खाते हैं, आज सुबह मैंने केला खाया, वो केला मेरा शरीर बन जाता है जी, जी। यानी कि मेरा शरीर का सॉफ्टवेयर उसे तोड़ के केला से मेरा शरीर मांस हड्डी और मज्जा बना देता है। तो जितनी दूरी होगी किसकी, उस चीज की इवोल्यूशनरी लाइन में, जानते हैं ना, मीन कुमठ सूकर नरहरी, उसके बाद बामन और व्यक्ति आए, तो जितनी दूरी होगी उतना आसान होगा हमारे इस सॉफ्टवेयर को, उस हार्डवेयर को तोड़ के अपने सॉफ्टवेयर में लेने। क्या बात है, ये जानी हुई बात है जी। हजारों साल से इसलिए भारतवर्ष में कभी भी मांस के तरफ, सर यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा मैं थोड़ा सा, आपसे एक बोलूंगा कि आपने कहा कि ये जानी हुई बात है, जी हाँ जानते हम बहुत कुछ है, लेकिन आज शायद वो समय आ गया कि करने वाली बात वही चीज आते हैं। अब पानी नाक तक आ गया है, अब अगर नहीं करें तो डूब जाएंगे। 10,000 साल पुरानी संस्कृति है हमारी, यूं ही नहीं दिख गए हैं हम, हमारे हर चीज में, भाषा, भूषा, भोजन, भेषक, हर चीज में शायद ऐसा कुछ है जो कि हमें बचाए रखता है 10,000 साल के लिए। तो पहला चीज है भोजन, भोजन हमेशा वही करें जो कि आपकी इवोल्यूशनरी लाइन से बहुत दूर का हो। तो साग सब्जी बहुत दूर आते हैं, फल कंदमूल बहुत दूर आते हैं, भोजन उनका करना चाहिए, मांस छोड़ना चाहिए जी। खास करके मामल्स अगर हो जाए, स्तनपायी हो जाए, जो कि हमारे उसी ग्रुप के हैं जी, उनसे तो दूरी ही बनाए रखनी चाहिए। बिल्कुल, ये पहली चीज। तो भोजन में आपने देखा होगा अंडे भी बंद कर रहे हैं हम लोग, और हमारा तो पहले ही मांसाहार होता नहीं था, अभी भी नहीं होगा जी। तो इस अच्छी आदत को हम जाने नहीं देंगे इस दलील पे कि मांस में प्रोटीन होता है, क्योंकि मांस में प्रोटीन के साथ साथ बहुत सारे सोर्स हैं। 2 कप सोयाबीन, बिल्कुल बिल्कुल, काफी। आप सोयाबीन को आप डिफरेंट फॉर्म्स में ले सकते हैं, आप अगर के वो बोलते हैं कि उसका पाचन ज्यादा मुश्किल है क्योंकि अक्सर याद है, तो आप उसे बॉयल करके ले सकते हैं, आप उसको स्प्राउट बना के ले सकते हैं, आप उसको महीन करके दूध में मिला के ले सकते हैं। आप तो स्वयं स्पोर्ट्स टीचर है, पीआई है, तो आप खूब जानते हैं वो चीज। तो सर पहला भोजन, बिल्कुल सर, दूसरा दिनचर्या, बिल्कुल,
शरीर तो सिर्फ ये मांस ही नहीं है ना, आपका अपना सोच भी तो होता है। तो हमारे संस्कृति में या आयुर्वेद में ये माना जाता है कि शरीर के 5 लेयर होते हैं, ये सिर्फ अन्नमय कोष है, वही जो भोजन से जो कि बाहरी आवरण, बाहरी आवरण। आपका मन भी तो एक है, आपका सिर्फ शरीर नहीं है तो मनोमय कोष। वैसे जो आप सांस लेते हैं उसमें एक प्राणिक शक्ति आती है, प्राणमय कोष, विज्ञानमय कोष, अन्नमय कोष, उसमें नहीं जाएंगे। तो पहली बात तो ये कि अगर आपको अपनी दिनचर्या सही रखना है और इन पांचों चीजों को ठीक रखनी है, सिर्फ बॉडी नहीं बनाना, तो पहले काम तो ये करना चाहिए कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, प्रकृति का नियम वही है। जी। दूसरा काम जो हम लोगों ने करने की कोशिश की कि सुबह योग करें लोग, और सूर्य नमस्कार खुद में एक संपूर्ण क्रिया है जो कि शारीरिक, मानसिक और प्राणिक शक्तियों को उजागर करता है। और अगर फिजिकल एक्टिविटीज के उसमें भी अगर हम देखें, सूर्य नमस्कार अपने आप में कंप्लीट एक्सरसाइज है, जो कि आपको 12 उसमें स्टेजेस में चलता है, लेकिन कंप्लीट एक्सरसाइज है, जिसको कि सर ने अभी कहा। सर आप इतना ये हम लोगों ने बनाया ना सूर्य नमस्कार सिखाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हम लोगों ने सूर्य नमस्कार के जो 12 पोज है जी, हमारे साहब है जी, उसको ब्रेल और प्रिंट में बनाया, प्रिंट में दोनों में बनाया। तो मैं दिखा दूं जरा सभी को जो तो हमारे देखने वाले हैं, यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये प्रिंट में लिखा हुआ है और उसी चीज को ब्रेलीकरण कर दिया गया है, ताकि जो हमारे, और उसके बाद सबसे बड़ी बात देखिए, ये जो पोस्चर्स हैं ये भी अगर आप देखेंगे तो एक लाइन से चल रही है, डॉटेड लाइन जो कि ब्रेल में है ये चल रहा है, टैक्टाइल कर दिया गया है। अगर वो खड़ा रहेगा तो उसे पता लग जाता है कि उसे बेंट होना है आगे की तरफ को और उसके हाथ कहाँ जाएंगे। दूसरा अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर हमें कोड दिख रहा है यहाँ पर, तो ये चीज है, कई चीजें हैं, सब कुछ कर दिया गया, सारी तैयारियां हैं, 12 के 12 पोज है। तो ये सूर्य नमस्कार, जैसे कि आपको भी बताऊंगा कि सुबह का जो वक्त है बिल्कुल, हम लोगों ने 1 घंटे का वक्त दे दिया कि हर बच्चा जो हॉस्टल में रहता है वो योग करेगा जी, तो शारीरिक तौर से इतना वो सुदृढ़ होगा कि बाहरी कोई भी बीमारी उसे लगे नहीं, यही बोला जा रहा है। कोरोना वायरस के बारे में कुछ, कोरोना वायरस अगर अंदर आता तो आप अंदर आने देते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी है कि अपना शरीर स्वस्थ रखे। बिल्कुल सर, जाते जाते आपसे अगर मैं कहूँ कि एक विनती जो हमारे एक मैसेज जो हमारे समाज को देना होगा, एक छोटा सा मैसेज इस सिचुएशन में, क्योंकि कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं कहूँगा मैं, और हमारे डिपार्टमेंट्स को जो हमारे अंदर के लोग हैं, NIPVD राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्था, क्या होगा सर आपका मैसेज? वही होगा कि आप जो भी आपकी नानी माँ कहती थी आपको करने को, सुबह जल्दी उठने को, प्राणायाम थोड़ा करने को, नहाने को रोज, घर के अंदर घुसने से पहले हाथ पैर धोने को, खाना खाने से पहले फिर हाथ धोने को, खाने को ब्रह्म समझकर खाने को, अति ना खाने को, समय पे सो जाने को, वही चीज किया जाए जिससे कि हमारा शरीर इतना सशक्त होगा कि बाहरी कोई भी संक्रमण नहीं। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने बात की सिचुएशन पर, आप सबको अच्छी तरह से संभाल रहे, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।